किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं स्टैंडर्ड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड कंपनी में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैंडर्ड C514 हार्वेस्टर कमैन। दोस्तों, आपने हार्वेस्टर में मार्केट में बहुत देखी है, मगर जो आप हार्वेस्टर देख रहे हैं जी, एक ऐसी हार्वेस्टर है जिसमें आपको कटर में, फीडर में और इंजन के नीचे और कटर के नीचे जो सीट मिलने वाली है वो स्टील की मिलने वाली है। साथ में इस पर जो पेंट किया गया है, शॉर्ट ब्लास्ट करने के बाद PU हीट करके इसमें पेंट किया जाता है। और बात करें इसके बैरिंग की, तो इसमें आपको 7 नंबर की बैरिंग असेंबली मिलने वाली है। और जो इसका जो मत्था भी है वो भी आपको फोल्डिंग मिलने वाला है। आप ऊपर ड्राइवर बैठा है इसको खोल सकता है और का जो फीडर है वो चोक नहीं होगा दोस्तों इस मशीन में। किसान भाइयों, वीडियो शुरू से देखकर आखिर तक देखना। जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों नई आ रही मशीन की जानकारी सबसे पहले विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल पे मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस मशीन के फीडर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जो फीडर देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2023 में हर कंपनी कुछ ना कुछ अपडेट कर रही है, मगर जो स्टैंडर्ड C514 में आपको फीडर की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेशन पाई गई है। जैसे कि जो पहले फीडर आते हैं वो आपको ऐसी नॉर्मल कंपनी में ऐसी देखने को मिलती है, मगर इसमें क्या है, साथ में अगर आपने कोई थ्रेशर का काम करना है, थ्रेशर बदलना है, आप ट्रैक्टर की मदद से यहाँ से ये देखिए, ये जैसे आप ट्रैक्टर में हुक लगाकर किसी भी कोई चीज़ को उठाते हैं तो वैसे आप इसको फीडर को उठा सकते हैं। और साथ में बात करें इसके फीडर की सीट की, तो इसमें आपको स्टील की सीट मिलने वाली है दोस्तों, और काफ़ी बढ़िया इसमें आपको जैक मिल रहे हैं दोस्तों, जो है बढ़िया दिया गया। और गियर की बात करें तो 4 स्पीड में, 5 स्पीड में आपको गियर मिल सकता है, और जो गियर देख रहे हैं जी 5 स्पीड का गियर है दोस्तों। और इसमें नीचे बात करें ब्रेकों की, तो इसमें आपको डबल मास्टर स्टैंड देखने को मिलेंगे। जो डिस्क ब्रेक है दोस्तों, आप बहुत कम रास्तों में इसको हार्वेस्टर को घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, और डबल डबल हॉर्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे दोनों साइड। आपको इसमें यहाँ पे प्रेशर हॉर्न दिए गए हैं और लाइटें काफ़ी ज़बरदस्त इसमें लाइटें देखने को मिलेंगी। ऊपर बात करें तो ऊपर आपको फाइबर की छतरी देखने को मिलेंगी और साउंड सिस्टम में आपको ऊपर चल कर दिखाऊँगा दोस्तों, पहले थोड़ा सा आगे दिखाना चाहता हूँ। टायरों की बात करें तो इसमें गुडियर के टायर 18-30 के टायर आपको मिलने वाले हैं। और में दोस्तों फ़ैन देखते हैं, वो आपको बहुत छोटा फ़ैन मिलता है 18 इंच का, मगर स्टैंडर्ड C514 में आपको जो फ़ैन मिलने वाला है वो आपको 24 इंच का बड़ा फ़ैन दिया गया है, जो दाने की बढ़िया सफाई करता है। बड़ा फ़ैन है, बड़ी ज़्यादा हवा देता है दोस्तों, और बड़ी रबड़ें दी गई हैं, बड़ी इसमें आर्म है वो भी आपको काफ़ी मोटी मिलने वाली है। चेंजर की बात करें तो 0 बैलेंस का मोटा आपको चेंजर मिलने वाला है, और फ़ैन की इसमें आपको बेल्टें मिलती हैं, कंपनी की स्टैंडर्ड की फ़ैन की बेल्टें मिलने वाली हैं, और काफ़ी बढ़िया जैक सिस्टम दिया गया दोस्तों। और इंजन की बात करें तो इसमें BS4 इंजन मिलता है दोस्तों, जो 133 HP का इंजन है, और इंजन के नीचे जो सीट लगाई गई है वो आपको स्टील की मिलने वाली है। और ये देखिए, एक आपको दिखाना चाहता हूँ, 207 नंबर की बैरिंग है, TR कंपनी के इसमें आपको बैरिंग मिलने वाले हैं, 7 नंबर की पूरी असेंबली है। और आपको स्टैंडर्ड के यहाँ पर बैटरी की बात करें, एमरॉन कंपनी की आपको डबल बैटरी मिलती है। पीछे कटाई के लिए काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे पीछे भी जैक मिलने वाले हैं दोस्तों, बहुत कम रास्तों में ये हार्वेस्टर घूम जाती है। हिस्सा काफ़ी पीछे मजबूत दिया गया है। और पीछे स्टार वॉकर की बात करें तो आपको इसमें 78 इंच का स्टार वॉकर, काफ़ी लंबा आपको स्टार वॉकर मिलता है, जो दाने की सफाई के लिए सबसे बढ़िया है। और इसमें आपको स्टार वॉकर की बात करें, 5 स्टार वॉकर दिए गए हैं, और सीफ है जो 78 इंच की सीफ है, जो काफ़ी लंबी आपको दी गई है। और एक बात आपको टेक्निकल बात बताना चाहता हूँ कटर के बारे में, जैसे कटर आ गया पीछे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये दोस्तों। औरों कंपनी में क्या होता है, जो कटर की बेल्ट होती है ना वो आपको टेढ़ी डाली जाती है, जिसके कारण कटर की बेल्ट टूट जाती है, मगर इसमें जो बेल्ट है वो आपको सीधी मिलने वाली है, कटर की बेल्ट टूटेगी नहीं और कटर बहुत आसानी से चलेगा और बढ़िया इसकी लाइफ रहती है दोस्तों, बेल्टों की, पुलियों की, सभी की। और एक टेक्निकल बात आपको और बताना चाहता हूँ, अगर अपने कटर को घुमाना है तो यहाँ से आप घुमा सकते हैं, यहाँ पे होल दिए गए हैं ट्रैक्टर कटर को घुमाने के लिए, अगर कोई बेल्ट वगैरह चेंज करनी है या उतारनी है तो यहाँ से आप उतार सकते हैं। और जो नीचे सीट दी गई है इस पर, वो भी आपको स्टील की सीट मिलने वाली है पूरी, ऊपर आगे से ले यहाँ तक। कटर का साइज़ हो तो 14 फीट का आपको कटर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आप स्टेप पत्ती वगैरह आपको देखने को मिलेगी, डाल सकते हैं यहाँ पर। और पीछे स्टाइलिश लाइटें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी बढ़िया आपको नीचे ट्रॉली देख सकते हैं, ट्रॉली में आपको जो टायर दिए गए हैं वो सीएट कंपनी के 916 के टायर आपको मिलेंगे।
काफ़ी बढ़िया आपको टैन दी गई है। और एक आपको बात बताना चाहता हूँ, कटर पे इस पर आपको 6 पाइप मिलते हैं दोस्तों। इस पर आप 3 पाइप को उतार कर आप हर की फसल को, सोयाबीन को, मक्के की फसल की भी आप कटाई कर सकते हैं जी। आपको काफ़ी स्टैंडर्ड का काफ़ी अच्छा लोगो देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड दोस्तों। स्टैंडर्ड कंपनी किसान भाई के लिए काफ़ी समय से साउथ इंडिया में सबसे बड़ा इनका नेटवर्क है। हार्वेस्टर सिंपली प्रॉफिट मल्टीप्लाई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लिखा गया, स्टिकर काफ़ी बड़े लगाए गए हैं। डीजल टैंक की बात करें तो 400 लीटर के लगभग इसमें आप डीजल डाल सकते हैं। और पीछे पैप दिया गया है और सीढ़ी देखिए कितनी स्टाइलिश सीढ़ी आपको देखने को मिली, काफ़ी बढ़िया सीढ़ी दी गई है। और सीढ़ी में एक खास बात ये है, जो सीढ़ी भी तैयार की है ना वो भी काफ़ी हैवी तैयार की है। देखिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया साइड पे जैसे चैनल की तरह होता ना, काफ़ी वैसे ही लगाया गया है सिस्टम। जो औरों कंपनी में कहते थे ऐसा पैप लगाते हैं पतला सा जो टूटता रहता है दोस्तों, गल जाता है, मगर इसमें गलने सड़ने वाली बात नहीं है, काफ़ी इसकी लाइफ रहने वाली है। और साथ में कंपनी एयर टैंक देती है मशीन को साफ़ रखने के लिए। और एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से पीछे से देख सकते हैं काफ़ी उसकी कटिंग जो की गई है ना वो CNC लेज़र कटिंग मशीनों से की गई है। और ऊपर आप जो देख रहे हैं स्टैंडर्ड के लोगों पे ना, वो आप यहाँ पे लो जी दोस्तों हमने खोल लिया था। और जैसे मैं कह रहा था दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया इंजन की सफाई के लिए रेडिएटर दिए गए हैं, और जिससे धूल मिट्टी को उठाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आपकी जो सफाई होती रहेगी इंजन की दोस्तों। और ऊपर करके दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें जो आपको इंजन मिलने वाला है ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी बढ़िया सीढ़ी दी गई है। अरे वाह, कितनी स्टाइलिश सीढ़ी आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे कि दोस्तों मैं ऊपर आया तो ऊपर देख सकते हैं जो आपको इंजन मिलने वाला है इसमें, वो आपको BS4 इंजन मिलने वाला है। और इसमें जो नीचे सीट लगाई गई है वो स्टील की सीट है, और काफ़ी इसमें गैप दिया गया है, अगर आपको इंजन का काम वगैरह करना है ना तो आसानी से यहाँ पर खड़ कर काम कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों इंजन की तो BS4 इंजन है जिसकी 133 HP का जी इंजन है। और इंजन को चढ़ने के लिए पार करने के लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रास्ता बनाया गया है ऐसे, और पूरी टैंकी को भी पूरे बढ़िया कवर किया गया। अगर आप कोई बारिश वगैरह ना हो, कोई ऐसा ना हो, तो काफ़ी बढ़िया ग्रेन टैंक को कवर किया गया है। छतरी है वो आपको फाइबर की मिलने वाली है। अगर आपने स्टाफ वाकर का काम करना है तो आप यहाँ से ऊपर से कर सकते हैं। और ऊपर भी जो सीट मिलने वाली है वो भी आपको स्टील की सीट मिलती है दोस्तों। आपको नीचे चलते दिखाता हूँ दोस्तों, हम नीचे आ गए थे। एलिवेटर की बात करें तो इसमें एलिवेटर में आपको स्टील के एलिवेटर मिलते हैं, और जो भी फोल्डिंग दिए गए हैं, अगर आप 5-10 साल बाद आप घर जाते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। फोल्डिंग है दोस्तों, और फैन के बारे में बताया दिया था आपको, और ये सेंसर सिस्टम दिया गया है RPM बताने के लिए, कितनी RPM पे मशीन चल रही है, घूम रही है, वो आपको यहाँ से पता चलता रहता है दोस्तों। और ड्राइवर को धूल मिट्टी के बचाने के लिए आगे फैन दिया गया है। किसान भाइयों, अगर आप भी स्टैंडर्ड C514 हार्वेस्टर लेना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड कंपनी के नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर बात कर इस मशीन को ले सकते हैं। किसान भाई, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।